दोस्तों आज की कहानी है ननद रानी, आप अपने पति के बिना कैसे रह लेती हो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। उसका थोड़ा मन करता बाहर घुमाए तो समीर बोलता मैं अभी 2 दिन बिल्कुल बाहर नहीं जाऊंगा, मैं इतना बाहर रहता हूँ तो बस घर में ही रहूँगा, तो बेसारी सैपाली किसके साथ जाए। उसका मन होता लॉन्ग ड्राइवर पर जाने का तो समीर बोलता मैं इतना कार चलाता हूँ डेली तो बस अब 2 दिन कुछ नहीं बस आराम। और जब कभी समीर बोलता बाहर चले तो सैपाली कुछ बहाना बना देती और थोड़ा टाइम कभी पास बैठते तो समीर फोन में लगा हुआ रहता और सैपाली के बोलने के बावजूद उसे सुनता नहीं था, बस हो जाती दोनों लड़ाई शुरू और दोनों अलग अलग कमरे में दिखते, फिर दोनों की लाइफ नीरस सी हो गई थी। बहुत दिनों बाद सैपाली की बचपन की सहेली पूनम का फोन आया तो सैपाली ने बात ही बातों में अपने और समीर के बारे में बताया कि किस तरह दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी बनते हैं जा रहे हैं, जबकि शादी के इतने सालों बाद तो दोनों का रिश्ता और मजबूत होना चाहिए। पता नहीं किसकी नज़र लग गई मेरे रंग भरे रिश्ते को जो बेरंग सा होता जा रहा है। कहते कहते सैपाली भावुक हो गई। चिंता मत कर यार, ये तो घर घर की कहानी है। मेरा और राजेश का भी यही हाल था कुछ दिनों पहले, हम दोनों बहुत ही परेशान हो गए ऐसे रहते हुए, तो बस दोनों ने तय किया कि जीवन के काम चिंताएँ तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी और हमारे आपसी रिश्ते और ख़राब हो जाएंगे यदि हमने कुछ नहीं किया तो। तब से हमने सोचा है बच्चे अपने रूम में ही सोएंगे और हम अपने में, क्योंकि वो तो रात को लेट तक भी नहीं सोते, फिर हम कब बैठे बोले। मैं तब से ही 10 बजे के बाद बच्चों को उनके रूम में भेजती हूँ और हम दोनों अपने रूम में फिर जब साओ सो कम से कम कुछ समय तो मिलता है अकेले में बैठ कर बोलने का, क्योंकि हर बात तो बच्चों के सामने नहीं कर सकते ना, फिर थोड़ा मूड भी बन ही जाता है। हंसते हुए बोलती है और हाँ थोड़ा इवनिंग वॉक पर भी जाया कर समीर के साथ ताकि दोनों आपसी मसले सुलझा सको, क्योंकि तेरे बेरंग से रिश्तों में रंग भरने का समय आ गया है। अब लेट किया तो बहुत देर हो जाएगी, सलब आज से ही शुरू हो जा। मैं फोन रखती हूँ, खाना बनाना है। ओके बाय डियर, सैपाली खुश होते हुए बोले। दोनों फोन रख देती हैं। पूनम की बातों से सैपाली को थोड़ी तसल्ली मिलती है और सोचती है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि समीर को तो कुछ पड़ी नहीं है, मेरी ऐसे रहकर कितनी परेशान हूँ मैं ही जानती हूँ। समीर से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। अब 1-2 दिनों से सैपाली जल्दी जल्दी अपना काम निपटा कर समीर के आने से पहले फ्री हो जाती थी। समीर को भी सैपाली का उसके पास रहना बहुत अच्छा लगता था। बहुत दिनों बाद दोनों थोड़े खुश दिखने लगे थे। एक रात को बच्चों को सुलाने के बाद सैपाली समीर के रूम में पहुंची तो समीर भी जगा हुआ था। सैपाली अभी क्या करूं, मुझे नींद आ जाती है, पूरा दिन काम करके थक जाती हूँ, पर तुम भी तो नहीं आते जगाने मुझे, समीर बोला। नींद तुम्हें ही आती है क्या, मैं भी तो थक जाता हूँ पूरे दिन ऑफिस में, फिर भी तुम्हारा इंतजार करता हूँ और जब तुम नहीं
आदि तो सोच जाता हूँ, शेफाली बस यही तो होता है हमारे साथ। हम जब भी मिलते हैं पुरानी बातों को लेकर बैठ जाते हैं और बहस करके लड़ लड़ा कर मुँह फुला कर सो जाते हैं। पर ऐसा कब तक चलेगा समीर, हमारी रोमांटिक लाइफ तो ख़त्म ही हो गई। अब शादी के जस्ट बाद कितने रोमांटिक होते थे तुम्हें याद है, मेरा मूड बना ही देते थे अपने प्यार से। कितने रंगीन हुआ करते थे हमारे रिश्ते, कहाँ गया वो प्यार वो तुम्हारी मीठी शरारतें। यहाँ अब मैं अच्छी नहीं लगती तुम्हें, कहते कहते शेफाली रो पड़ती हैं। समीर, अरे यार जो हाल तुम्हारा है वो मेरा भी है। पति पत्नी होकर भी माँ बाप बनकर रह गए हैं दोनों। हमारे हंसी लम्हे तो कहीं खो से गए हैं। अब तुम पास आती नहीं हो और जब मैं कोशिश करता हूँ आने की तो तुम आने नहीं देती हो। कभी तुम थकी होती हो, कभी बच्चे जगे होते हैं और महीने के 5 दिन तो रिजर्व रहते ही हैं तुम्हारे पीरियड के। अब बताओ मैं क्या करूं, तुम्हें तो पता है तुम्हारे संप्रस से ही कितना सुकून मिलता है मुझे। तुम पास होती हो तो बस और क्या बोलूँ, अब भी बोलता ही रहूँ या कुछ करूँ भी। और कहकर शेफाली को अपनी बाहों में भर लेता है और दोनों इतने दिनों बाद अपने मन की बात एक दूसरे से कहते हुए बहुत ही सुकून का अनुभव कर रहे थे और दोनों ने एक दूसरे का ध्यान रखने का पक्का वादा कर लिया था। अभी इसके बाद दोनों के घर की कहानी बिल्कुल बदल गई। अब दोनों रोज नियम से वॉक में जाते, अपने काम से फ्री होकर सुबह बच्चों को छोड़ने के बाद दोनों साथ चाय पीते। कभी कभी उनका मूड भी बनने लगा था तो उनकी ये सब पूर्ति भी हो जाती थी अब। और सास ससुर भी नहीं थे इन दिनों, क्योंकि वह सार धाम की यात्रा पर गए थे तो कोई दिक्कत नहीं थी साथ समय बिताने में। अब दोनों को शेफाली और समीर दोनों खुश और एक्टिव हो गए थे इन दिनों, सबकी जरूरतें पूरी करते करते कहीं ना कहीं दोनों अपनी जरूरतें भूल ही गए थे और तनाव युक्त जीवन जी रहे थे। पर एक दूसरे का ध्यान रखने की उनकी इस छोटी सी कोशिश ने उनकी ज़िंदगी के खोए रंग फिर से लौटा दिए, जिनकी उनको बहुत ज़रूरत थी।